brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की सीएम की कुर्सी जाने के बाद संपत्ति में इजाफा हुआ है। जी हां, सीएम पद पर ना रहते हुए पिछले 5 महीनों में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की संपत्ति में 20 लाख से भी ज्यादा का इजाफा हुआ है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि उनका एफिडेविट कह रहा है जो उन्होंने अपने नामांकन पत्र के साथ दाखिल किया है। आखिर कितनी है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की संपत्ति, विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटक और मैं हूं आपके साथ आकांक्ष ठाकुर। मध्य प्रदेश की विदिशा लोकसभा सीट से एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान चुनावी मैदान में हैं। लोकसभा चुनाव के वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के भैया और बच्चियों के बच्चों के मामा के नाम से जाने जाने वाले शिवराज सिंह चौहान की संपत्ति में इजाफा हुआ है। जी हां, सीएम पद से हटाए जाने के बाद, या यूं कहें कि सीएम की कुर्सी जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की संपत्ति में 21 लाख का इजाफा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि उनकी पत्नी साधना सिंह की संपत्ति में लगभग 15 लाख रुपए का इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में अपना नामांकन पत्र जमा किया, इसके साथ ही उन्होंने हलफनामा दायर किया जिसमें उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। इस हलफनामे के अनुसार आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान की कुल संपत्ति 3,42,00,000 रुपए है। वहीं आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान के पास 1,24,00,000 रुपए की चल संपत्ति और 2,17,00,000 रुपए की अचल संपत्ति है। वहीं शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह के पास 1,17,00,000 रुपए की चल संपत्ति और 4,39,00,000 रुपए की अचल संपत्ति है। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि शिवराज सिंह चौहान के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, बल्कि उनकी पत्नी साधना सिंह के नाम पर 64,00,000 रुपए का कर्ज है। वहीं आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने 2023 के विधानसभा चुनाव में अपनी कुल चल अचल संपत्ति 3,21,00,000 रुपए बताई थी। यानी कि विधानसभा चुनाव के बाद और लोकसभा चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान की कुल संपत्ति में 21,00,000 रुपए का इजाफा हुआ है। इतना ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान के पास 96 तोला सोने के जेवर हैं और उनकी पत्नी साधना सिंह के पास 535 ग्राम सोने के जेवरात हैं। वहीं आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान इससे पहले भी विदिशा लोकसभा सीट से 5 बार सांसद रह चुके हैं। वो लगभग 18 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान विदिशा से ताल ठोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं और लगातार चुनाव का प्रचार करते हुए दिखाई देते हैं। शिवराज सिंह चौहान के साथ उनकी पत्नी भी प्रचार में उतरी हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल ये संपत्ति का उनका विवरण है। उनकी संपत्ति में सीएम की कुर्सी जाने के बाद 21 लाख रुपए का इजाफा भी हुआ है। रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ कहना है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।